हाँ भाई, तो ये है यूवी कर्व ग्लास। और वैसे अभी के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा कर्व स्मार्टफोन आने लगे हैं। वेल, मैंने इस ग्लास को अपने स्मार्टफोन पे अप्लाई कर चुका हूँ और इस वीडियो में हम इसी को तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, ममोड़ेंगे और फिर देखेंगे कि ये ग्लास किस हद तक मजबूत है। वेल, इस वीडियो में हम इसी ग्लास की तोड़ने फोड़ने वाली टेस्टिंग करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर लो और भाई बेल आइकन को ऑल पे रखना। वैसे मैं बता दूँ, ये जो ग्लास है 300 रुपये का ग्लास है। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि इसमें ग्लास लगा हुआ है। वेल, नॉर्मली जो लोग ग्लास टेस्टिंग करते हैं तोड़ने फोड़ने वाला, हम उनसे कुछ डिफरेंट करने वाले हैं, बिकॉज हमारे पास एक ऐसा औजार है जिससे ये ग्लास बच ही नहीं सकता भाई, और उसको हम लास्ट में रिवील करेंगे। ओके गाइस, तो ये है हमारा फोन और इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्लास लगा हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये ग्लास लगा हुआ है। इसे मैं चाहूँ तो अभी उखाड़ दूँ, लेकिन उससे पहले हम इन सब चीज़ों से इस पे वार करने वाले हैं, देखेंगे ये ग्लास किस हद तक मजबूत है। वेल, लास्ट में जो हम करने वाले हैं ना, आई थिंक यूट्यूब पे किसी ने नहीं किया होगा। तो सबसे पहले दोस्तों, ये हम सिम इजेक्टर टूल से ट्राई करने वाले हैं। वैसे ये सिम खोलने के लिए काम आता है, लेकिन आज हम इसे स्क्रैच करने के लिए काम लाने वाले हैं। तो हम करते हैं इस पे स्क्रैच और देखते हैं स्क्रैच लगता है नहीं लगता है। देखो गाइस, थोड़ा ज़्यादा ताकत से करते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हो उसमें स्क्रैचेस आ चुके हैं भाई। इस ग्लास में सिर्फ इससे स्क्रैचेस आ चुके हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ये देखो, इस पे स्क्रैचेस आ चुके हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। बाकी दोस्तों, इससे बस इतना ही आया, बहुत ही ज़्यादा तेज मैंने करा था और ताकत भी लगा के करा था। अब हम ब्लेड से ट्राई करने वाले हैं कि ब्लेड से इस पे स्क्रैच आते हैं नहीं आते हैं। तो करते हैं, नहीं नहीं गाइस, ओ भाई, मतलब ब्लेड देख रहे हो, ब्लेड का ये गायब हो गया, सामने वाला गायब हो गया, ब्लेड का टूट गया, लेकिन इस पे ब्लेड से कोई भी स्क्रैचेस नहीं आया, जो था वो सिम इजेक्टेड टूल वाला है। बाकी दोस्तों, अब हम इससे करने वाले हैं। आपको पता होगा ये किस चीज़ के लिए यूज़ आता है, लेकिन हम इसको स्क्रैच करने के लिए यूज़ लाने वाले हैं। तो करते हैं, आई थिंक इससे बहुत ही हेवी वाला स्क्रैच होना चाहिए। गाइस, इससे भी नहीं हो रहा, गाइस इससे भी काम नहीं बन रहा, मतलब ये भी कुछ नहीं कर पा रहा इसका। देखो, मैं साफ करके आपको दिखाता हूँ, जो स्क्रैचेस था वो पहले वाला है। देखो, कोई भी स्क्रैचेस नहीं आया स्मार्टफोन पे, सिर्फ नीचे में दो तीन लाइन है। बाकी अब हम कैंची से करने वाले हैं। ये रहा कैंची, और कैंची कैसे पकड़ूँ मैं समझ नहीं आ रहा, बस ऐसे ही पकड़ता हूँ। देखो गाइस, आवाज़ आ रही है, ओ ओ कैंची से भी कुछ होने वाला नहीं है, कैंची से भी नहीं हुआ, और आई थिंक इससे होना चाहिए भाई। ये बहुत ही पतला है और इससे तो होगा ही होगा, मतलब इससे इसकी बैंड बजने वाली है। देखो, इससे भी नहीं हुआ, मतलब इतना स्क्रैच लगना चाहिए कि पता चलना चाहिए। देखो, इसमें तो हल्के फुल्के स्क्रैच आ रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। अब हम इससे करने वाले हैं, तो ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। नो, इससे भी कोई असर नहीं पड़ रहा गाइस। लेकिन अब बारी है हमारा मेन औजार निकालने का, और इस औजार से 100% श्योर है कि स्क्रैचेस इसमें बहुत ही खराब टाइप पे आएगा, क्योंकि यार आपको पता ही होगा ये क्या है। ये है जो लोहे पे जंग आ जाता है उसको छुड़ाने के लिए, और इसको हम इस पे ट्राई करने वाले हैं, रगड़ने वाले। और बेसिकली फ़ोन पे स्क्रैचेस आते भी है कंकड़ मिट्टी से, क्योंकि जब भी आप पैकेट में फ़ोन डालते हो तो पैकेट में आपका पहले से कंकड़ मिट्टी मौजूद होता है, जिसकी वजह से आपके स्क्रीन पे स्क्रैचेस लग जाते हैं। और अब हम इसे ट्राई करने वाले हैं गाइस, तो हम करते हैं। तो भाई, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना ज़्यादा स्क्रैच लग चुका है ग्लास पे, मतलब ग्लास इसको सहन नहीं कर पाया, पुराना हो चुका है फ़ोन हमारा। जो ग्लास है वो पूरा रगड़ा गया है, इसके ऊपर का ग्लास देखो, देखिएगा इस किस तरह से स्क्रैचेस आ चुके हैं, इसमें पूरा स्क्रैच आ चुका है। और भाई, अब हम इस ग्लास को हटाने वाले हैं स्क्रीन पे से, और देखेंगे कि अच्छे से निकले ये ग्लास। आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि सही से निकलेगा ये ग्लास, पूरा डैमेज हो चुका है गाइस। बंद बंद बंद, ओके, तो ये ग्लास
आ चुका है हमारे हाथ में ये। तो गाइस देख सकते हैं आप, ये ग्लास हमारे हाथ में आ चुका है और ये रहा ग्लास। और ये जो ग्लास है 300 का है और काफी ज्यादा मजबूत ग्लास है गाइस। तो गाइस ये रहा हमारा ग्लास जो कि पूरे तरीके से चकनाचूर हो चुका है और ये टूट नहीं रहा था। मैं इस पे प्लास पेचकस मार मार के तोड़ा हूँ तब जाके ये टूटा है। बाकी इस पे स्क्रैचेस भी भाई नॉर्मल चीजों से नहीं आए हैं। मैंने इस पे वो जो पत्ता होता है जंग छोड़ाने वाला उससे मैंने इसको छोड़ाया है तभी जाके इस पे स्क्रैचेस आए हैं। वैसे स्क्रैचेस तो कंकड़ मिट्टी से ही लगते हैं तो वो तो बनता था भाई। बाकी ग्लास बहुत ही ज्यादा मजबूत है। अगर आपके पास कोई भी कर्व डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन है तो आप ये ग्लास परचेस कर सकते हो। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर आप प्रोडक्ट टैग पे चेकआउट कर सकते हो यहाँ पे से। तो बाकी दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ये जो ग्लास है इसके नाम पे। बाकी दोस्तों मिलते हैं फिर से किसी और ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, गुड लक।